बिग बॉस OTT सीजन 3 का हुआ पहला नॉमिनेशन। कौन कौन हुआ है घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड? आखिर किसने किया, किससे नॉमिनेट, किसने किसके पीठ पे मारा है खंजर? जी हाँ, क्या है पूरी खबर, आइए बताएंगे आपको हमारे चैनल टेली न्यूज पे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बिग बॉस OTT सीजन 3 जिसे शुरू हुए अभी कुछ दिन ही हुए और पहला नॉमिनेशन टास्क घर में हो चुका है। कल बीती शाम नॉमिनेशन टास्क हुआ लेकिन लाइव फीड में टेलीकास्ट नहीं किया गया, जो कि आज आपको एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। टास्क कुछ यूँ था कि हर कंटेस्टेंट को एक एक करके एक्टिविटी एरिया में जाना है और वहां पर दो ऐसे नाम लेने हैं जिन्हें वो नॉमिनेट करना चाहते हैं कारण बताते हुए, और उनकी फ़ोटो यानी कि तस्वीर फाड़नी है। जहाँ हम बता दें, लाइव फीड से अब तक जो जानकारी सामने आई है, जो नाम सामने आ रहे हैं वो है लव कटारिया, विशाल, सना मकबूल, दीपक चौरसिया, शिवानी कुमारी। जहां पर रणवीर ने कटारिया को नॉमिनेट करते हुए ये कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा घमंडी हैं। शिवानी ने सना सुल्तान को नॉमिनेट किया, तो सबसे ज़्यादा जिसकी फ़ोटो यानी कि तस्वीर फटी है वो लव कटारिया और विशाल पांडे हैं। वहीं हम बता दें, शिवानी को भी काफ़ी लोगों ने टारगेट किया है और सना मकबूल को भी, क्योंकि सना काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट फ़िलहाल दिख रही हैं। जिस तरीके से वो हर फाइट में मुद्दा उठाती हैं, उसके लिए स्टैंड लेती हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नज़र आ रही हैं सना मकबूल। तो आपको क्या लगता है कौन होगा पहले हफ्ते घर से बेघर, या फिर बिग बॉस की प्रथा चलेगी और कोई भी नहीं होगा घर से बेघर? आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।